अरसा पहले कहीं पढ़ा था कि जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब अल्लाह आपको हर रिश्ते हर ताल्लुक की असलियत दिखाकर पूछता है कि बता अब कौन है तेरा मेरे सिवा। मुझे खौफ आता है ये सोचते कि ये वक्त इमरान खान का और बहसियत कौम हमारा वही वक्त ना हो, मगर इस बात की तसल्ली भी है कि अल्लाह है। मैं नहीं जानता किसने किसको धोखा दिया या किसके साथ धोखा हुआ, वक्त सारे राज खोल देगा। मैं जिन्हें बहुत अच्छे से जानता था, वक्त बदलने पर उनमें से बहुत अनजान निकले। नियतों के हाल फकत एक अल्लाह जानता है, मैं किसी के हक में ऐसा दावा नहीं कर सकता। हाँ, इतने अरसे की रफाकत की बुनियाद पर अपने लीडर के मुतालिक एतमाद से कह सकता हूँ कि ना उसने इस कौम का सौदा किया है ना करेगा। वो अपने मुजरिम माफ़ कर देगा। अपनी कौम के मुजरिमों को माफ़ करने वाला होता तो आजकल कोठरी में नहीं मसनद पे होता। 4 अक्टूबर के एहतजाज से कबल भी खान साहब से मैदान में उतरने की इजाज़त चाहिए। जवाबन यही मालूम हुआ क्या आपके हवाले से अहकामात में कोई रद्दो बदल नहीं है। मुझे सियासत मीरास में नहीं मिली, मेरी सियासी बका अपने लोगों के दरमियान रहने में है, उनके साथ खड़े रहने में है। ये भी मेरा ईमान है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। मेरी कौम गवाह है, खुद को लाहक वाज़े खतरात के बावजूद अमन मार्च, जलसों, इमरान खान की अदालती पेशियों, बनीगाला और जमान पाक के कैंपों में हाजिर रहा हूँ। मगर अब जो हुक्म है सो है, मैं उस हुक्म की मसलहत से वाकिफ़ नहीं, ना मैं ख़ुद को इस तहरीक के लिए लाजिम और मलजूम समझता हूँ। मगर डिसिप्लिन मेरे लीडर से मेरी वफादारी का तकाजा है। मुझे जितना भी नागवार है, लाख जबर सही, मगर मैं अपने अहदे वफा का पाबंद। इसी तरह एक और पाबंदी मैंने खुद पर खुद लगा रखी है, पार्टी के अंदरूनी मामलात पर पब्लिक फॉर्म्स पर बात ना करने की। मगर मेरा अपनी कौम से वादा है, मेरा कोई भी उसूल, किसी भी शख्स से ताल्लुक, आपसे और इमरान खान से मेरे ताल्लुक से बढ़कर नहीं है। मुझसे मंसूब हर शख्स इस बात पर गवाह है कि इमरान खान का नजरिया और उसकी कौम मेरी जिंदगी में हर रिश्ते से मुकद्दम है। जिस दिन मुझे ये यकीन हो गया कि पार्टी क़यादत ने इमरान खान से गद्दारी की है, आप मुझे हर लिहाज हर मुरव्वत से आज़ाद पाएंगे। मगर उस दिन तक मुझे और आपको अपना जहन तमाम इम्कानात के लिए खुला रखना है। बदगुमानी घुन की तरह होती है, अपनी सोच को बदगुमानी के साए से महफूज रखना है। और ऐन मुमकिन है कि ये हमारे खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल हो रही हो। मैं जानता हूँ कि तयशुदा हिकमत अमली और खान साहब की वाज़े हिदायत पर अमल दरामद नहीं हुआ, मगर मैं फिल वक्त इसे गफलत कर दानूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम में से कोई भी इमरान खान नहीं है, हम इमरान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में हम कोताहियों के मुर्तकिब होंगे। उन कोताहियों की कीमत का अंदाज़ा रखते हुए जिम्मेदारी का मुजाहिरा लाजिम है। मगर ये भी अल्लाह ही की अपने बंदों को दी तसल्ली है कि क्या खबर जिस चीज़ को तुम अपने लिए बुरा समझो वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। ये भी मुमकिन है कि वो हमें हर सहारे हर बेसाखी से आज़ाद होकर किसी से अपनी उम्मीदें वाबस्ता किए बगैर अपने बलबूते पर लड़ना सिखा रहा हो। और लड़ना तो हमें है बहर तौर बहर सूरत, क्योंकि ये मसला किसी और का नहीं हमारा है, ये मुल्क किसी और का नहीं हमारा है। तो फिर किसी से गिला शिकवा क्या, हम इस जंग में ना किसी और की खातिर उतरे थे ना किसी और के भरोसे। हमारा और हमारे लीडर का नजरिया और रहनुमा सिर्फ अल्लाह की वहदानियत का इकरार और इस बिना पर गुलामी से इनकार था है और रहेगा। यही ला इलाहा हमारा नजरिया और यही ला इलाहा हमारी मशले राह। मेरी कयादत से भी दरख्वास्त है, आपको खान साहब ने डी चौक एहतजाज जारी रखने के साथ साथ मंगल बुध को मुल्कीर एहतजाज का प्लान दे दिया था, जिसकी तहरीरी कॉपी ऑफिशियली कॉम के साथ शेयर करके कॉल दी जाए। इस जिम में पार्टी ओहदेदार मुतल्लिका तंजीमों, कारकुनान
मुंतखब मेंबरान से राबते करें। खान साहब की ये भी हिदायत थी कि सोशल मीडिया पर पैगाम एहतजाजी तहरीक के लिए जारी हों, लेकिन ओहदेदार तंजीमें वगैरह इनफरादी तौर पर कारकुनान, हल्के के आवाम और मेंबरान से राबता करें। सो कारकुन और क़यादत हर सतह पर मुनज़्ज़म हो, अपना लाहा अमल तय करें, प्लान करें, पुरमन रहें, मुत्तहिद रहें, गिरफ्तारियों से बचें। ग्राउंड के अलावा भी सोशल मीडिया पर अपना फोकस लामानी बहसों पर नहीं, अपने मकासद पर रखें। इमरान खान, बुशरा बीबी, दीगर क़यादत और कारकुनान की रिहाई, आईन और कानून की बालादस्ती, मैंडेट की वापसी के अलावा कोई और बहस वक्त का ज़िया है, और वक्त इस वक्त हमारा सबसे कीमती असासा है। वफादारी का तकाजा कायदा यानी डिसिप्लिन है, जितना भी नागवार हो कायम रखना है, कोई और रखे ना रखे आपने रखना है। 9 मई के बाद भी कोई मरकजी क़यादत मंजरे आम पर नहीं थी, क्या आपने हार मानी थी? फिर आज मायूसी का सबब क्या है? क्या आपके लीडर ने आपसे गद्दारी की? क्या उसने आपकी हमियत का सौदा किया? या आपको इस जद्दोजहद के अलावा अपनी नस्लों के लिए कोई और रास्ता समझाई दे गया है? Thank you.